हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज जितेश राय फ्रॉम राय क्लासेस। आज की वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब चेंज ऑफ इंटरवल हो और फंक्शन हैविंग आर्बिट्री पीरियड, मतलब एक कांस्टेंट उसका जो लिमिट हो, कांस्टेंट हो, लाइक हो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे फोरियर सीरीज हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूले हमारे चेंज हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए लिमिट हमारी x है 0 टू c हो, c जो कांस्टेंट है, जो आर्बिट्री पीरियड है, इसमें a नॉट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, अब a नॉट निकालने के लिए 1 बाई c 0 टू c एफ एक्स इंटू डी एक्स। सिमिलरली a निकालना हो तो 1 बाई c 0 टू c, और एज वी नोट एट हम cos nx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n के केस में cos n पाई x अपॉन c इंटू डी एक्स, और bn के लिए फॉर्मूला हो जाएगा bn इक्वल टू 1 बाई c 0 टू c एफ एक्स साइन n पाई x बाई सी इंटू डी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कैसे पता चलेगा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो जहां भी कॉन्स्टेंट लिमिट दिया हो, जैसे 0 से 1 दिया हो, 0 से 2 दिया हो, 0 से 3 दिया हो, या माइनस 1 टू 1 दिया हो, माइनस 2 से 2 दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा आर्बिट्री पीरियड वाला कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि कोसाइन सीरीज पूछा जाता है तो यू हैव टू फाइंड द ओनली a नॉट एंड a n, बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली यदि हमें साइन सीरीज पूछा जाता है ना, और ये आर्बिट्री पीरियड हमें दिया होता है, तो a नॉट और a n क्या हो जाएगा 0, यू हैव टू ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एन। क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इन ए कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज ओवर 0 टू 1। तो यहां पे क्या हो गया, लिमिट हमारी कॉन्स्टेंट आ गई, और यहां पे हमें क्या निकालना है, कोसाइन सीरीज। तो डायरेक्ट हमारी बी एन थी जो सोल्यूशन होगा, कोसाइन सीरीज अभी मैंने पढ़ाया है L13 में। अब जाओगे L13 जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने हाफ रेंज का साइन सीरीज और साइन सीरीज कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने बता रखा है। तो यहां पे बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेन एवर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन सीरीज, द वैल्यू ऑफ बी एन इक्वल टू 0, यू हैव टू ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट एंड एन। ए नॉट इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई सी 0 टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पे c की वैल्यू क्या है, 0 टू c और कंपेयर करें c इक्वल टू क्या है आपका 1 है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन है 1 बाई 1 0 टू 1 एफ एक्स हमारे क्या दिया है e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, 1 बाई 1 1 ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x होगा 0 1, अपर लिमिट पुट कर दो 1, लोअर लिमिट पुट कर दो 0, इट मीन्स e माइनस 1। तो जो a नॉट की वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, a नॉट इक्वल टू आ जाएगा, जो एक्सप्रेशन है a नॉट इक्वल टू 1 बाई सी 0 टू, एक्चुअली हम क्या करेंगे जब 0 से c लिखेंगे तो जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा 2 बाई सी हो जाएगा। जो फॉर्मूले हैं हमारे उन फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, आपका चेंजेज आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 बाई सी, ये भी हो जाएगा 2 बाई सी, और ये भी हो जाएगा 2 बाई सी। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 बाई सी 2 बाई सी, तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, ये फॉर्मूले में 2 बाई सी होता है, 2 अपॉन सी 0 टू सी एफ एक्स डी एक्स, 2 बाई सी 0 टू सी एफ एक्स कॉस एन बाई एक्स बाई सी डी एक्स, बी एन इक्वल टू 2 बाई सी 0 टू सी
एफ एक्स साइन एन फाइव एक्स बाई सी। अब हम एन फाइंड करेंगे, टू बाई सी जीरो टू सी एफ एक्स कॉस एन फाइव एक्स बाई सी इंटू डी एक्स। टू बाई सी, सी की वैल्यू वन, जीरो टू वन ई टू दी पावर एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई वन इंटू डी एक्स। अब लगा देंगे ई टू दी पावर ए एक्स कॉस डी एक्स का फॉर्मूला, है ना। तो ई टू दी पावर ए एक्स, तो ए की जगह क्या है आपका वन है, और बी की जगह क्या हो गया आपका एन पाई है। फॉर्मूला होता है टू, इंटीग्रेट करेंगे e टू दी पावर x को हम एजिटी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर वन, फिर होता है a एन पाई साइन बी एक्स साइन पाई एक्स प्लस का साइन कॉस ए कॉस बी एक्स होता है ए कॉस एन पाई एक्स। ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर एक्स का कॉस कॉस बी एक्स का e टू दी पावर एक्स, ए की जगह मैंने वन, ये वन है और बी की जगह एन पाई, तो पहले बी लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके बाद बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, तो एन पाई एक्स जीरो टू। लिमिट पुट कर दें हम, तो ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके टू अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस वन माइनस वन के पावर एन ई माइनस वन। लिमिट पुट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आएगी। फिर हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू वन पुट करके ए वन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो जो हमारा ए वन आ रहा है आएगा माइनस ई माइनस वन पाई स्क्वायर प्लस वन। सिमिलरली एन बराबर टू पुट करके हम ए टू फाइंड कर लेंगे, तो ए टू आएगा ई माइनस वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर प्लस वन। सिमिलरली हम एन बराबर थ्री पुट करके ए थ्री फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी माइनस ई माइनस वन अपॉन नाइन पाई स्क्वायर बाई वन। सीरीज बना दें हम, सीरीज होगी एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू ई माइनस वन, टू से टू कैंसिल टू, ए वन माइनस ई माइनस वन पाई स्क्वायर प्लस वन कॉस एक्स, ए टू ई माइनस वन फोर पाई स्क्वायर प्लस वन कॉस टू एक्स, ए थ्री माइनस ई प्लस है यहाँ पे माइनस माइनस ई माइनस वन नाइन पाई स्क्वायर प्लस वन कॉस थ्री एक्स डैश 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 डैश। ये हमारी क्या होगी आपकी सीरीज होगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में क्या होते हैं, जो हमारी सीरीज है इससे रिलेटेड क्या होता है पूछा जाता है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, जैसे हाफ पीरियड सीरीज जो है हमारी, हाफ पीरियड सीरीज है, तो यदि कोसाइन सीरीज बोला जाए, हाफ पीरियड कोसाइन सीरीज, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट एंड ए एन, ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू ए वन कॉस पाई एक्स बाई सी प्लस ए टू कॉस टू पाई एक्स बाई सी प्लस ए थ्री कॉस थ्री पाई एक्स बाई सी डैश डैश डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे ए नॉट और ए एन की वैल्यू क्या होगी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 2 by c 0 to c fx into dx और an equal to होगा 2 by c 0 to c fx cos
एन पाई एक्स इंटू सी इंटू डी एक्स। ओके, सिमिलरली मान लीजिए हमें साइन सीरीज फाइंड करना हो, साइन सीरीज, तो और अच्छी बात है, वहां पे क्या हो जाएगा, ए नॉट जीरो होगा और ए एन जीरो होगा। जैसे इस वाले में क्या होगा, बी एन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, हाँ, पीरियड का साइन सीरीज की बात करेंगे तो साइन सीरीज में ए नॉट और एन जीरो होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, बी वन साइन आई एक्स बाई सी, बी टू साइन टू पाई एक्स बाई सी, बी थ्री साइन थ्री पाई एक्स बाई सी। जहां पे पी एन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी एन कैन बी रिटेन है टू बाई सी जीरो टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी इंटू डी एक्स। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फर्स्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर टू, कह रहा क्वेश्चन एक्सपेंड फॉर एफ एक्स इक्वल टू के फॉर जो हमारा x है जीरो एक्स जीरो टू टू इन ए हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, तो जहां भी कांस्टेंट लिमिट है, अब क्या है, चेंज ऑफ आर्बिट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सीरीज निकालना है, इट मीन्स हमें बी एन निकालना है, ए नॉट जीरो, एन भी क्या हो जाएगा जीरो, ओनली हमें साइन सीरीज, तो बी एन कैन बी रिटन एज टू बाई सी जीरो टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू सी की वैल्यू क्या है, यहां पे टू है, सी इक्वल टू टू, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज टू बाई टू जीरो टू टू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के साइन एन पाई एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, टू से टू कैंसिल, के बाहर, जीरो टू टू साइन एन पाई एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, के इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज हाउ मच, कॉस माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई टू अपॉन एन पाई एक्स जीरो टू टू। तो एन पाई बाई टू को हम टू बाई एन पाई लिख सकते हैं, बाहर बाहर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट है, तो बी एन इजकल टू, दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज टू के एन पाई, लिमिट पुट कर दें तो माइनस कॉस एन पाई प्लस वन, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन के पावर एन, टू के एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन के पावर एन प्लस वन, तो जो सीरीज हो जाएगी हमारी हाफ रेंज साइन सीरीज एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जरा समेशन एन बराबर वन टू, या डायरेक्ट हमें समेशन वाला लगा दें, एन बराबर वन टू इन्फिनेटिव टू के एन पाई, वन प्लस वाला पहले लिख दें, वन प्लस माइनस, तो माइनस माइनस वन पहले लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के पावर एन इंटू साइन एन पाई एक्स बाई टू,
कैसे सवाल लिख दूं, समेशन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी 2k बाई एन पाई। यदि कॉस के टर्म में लिखते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम यदि कॉस एन पाई की वैल्यू ना पुट करें, 2k एन पाई 1 माइनस कॉस एन पाई, यहां से मैं यहीं से लिखना चाह रहा हूं, 1 प्लस कॉस एन पाई ब्रैकेट 1 साइन एन पाई एक्स बच्चे, इस जो फाइनल आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि ऑब्टेन द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0 to 3। तो चेंज ऑफ आर्बिट्री फंक्शन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट लिमिट दिया है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 3, और हमें साइन सीरीज फाइंड करना है, तो a नॉट हो गया 0, एन भी क्या हो जाएगा 0, वी हैव टू ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एन 2 बाई सी 0 टू सी। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाई सी इंटू डी एक्स, सी की वैल्यू पुट कर दो 2 बाई 3 0 टू 3 एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाई 3 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दो, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस का एन पाई एक्स बटे 3, और इसको हम ले क्या लिख सकते हैं, जो अपॉन में है उसको पहले लिख सकते हैं, पहले लिख दो 3 अपॉन एन पाई, जो अपॉन में आएगा ना एन पाई बाई 3, इसको 3 बाई एन पाई, प्लस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और माइनस कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई 3, फिर ये चीजें रिपीट होगी, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा ना 3 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर रख लिया मैंने, फिर माइनस का साइन 2x का क्या हो जाएगा 2, और माइनस साइन का क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर ये हो जाएगा इसको लिख ले तो डायरेक्ट 3q अपॉन एन क्यू पाई क्यू, और ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स बाई 3 0 टू 3। ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो बी एन की जो वैल्यू आएगी, बी एन का इनवेरिटेन एच 2 बाई 3 माइनस 27 बाई एन पाई माइनस 1 के पावर एन माइनस 54 एन क्यू पाई क्यू माइनस 1 के पावर एन प्लस 54 एन क्यू पाई क्यू। ये जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 बाई 3 54 एन क्यू पाई क्यू 1 माइनस माइनस 1 के पावर एन माइनस, इन दोनों में कॉमन ले लिया था, माइनस 27 अपॉन एन पाई माइनस 1 के पावर एन, और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटेन एज बी एन इक्वल टू 2 बाई 3 108 अपॉन एन क्यू
आई क्यू प्लस 27 अपॉन एन पाई व्हेन एन इज ऑड. ओके, और यदि एन इवन होगा तो व्हेन एन इवन होगा तो बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एन इक्वल टू आ जाएगा माइनस 18 अपॉन एन पाई. तो जब सीरीज बनाएंगे हम एफ एक्स इक्वल टू वही क्या होगा, बी वन साइन एक्स, बी टू साइन टू एक्स प्लस बी थ्री साइन थ्री एक्स. वैल्यूज डाल दें हम, ये आ जाएगी 2/3 108 अपॉन पाई क्यू साइन एक्स अपॉन 1 क्यू साइन 3x अपॉन 3q प्लस साइन 5x अपॉन 5q. ऑड के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, फिर प्लस इवन के लिए इवन का फॉर्मूला अलग है 27 ये है ना माइनस 18 बाई एन पाई 27 बाई पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 3x बाई 3 प्लस साइन 5x बाई 5 डैश डैश बच्चा है माइनस, इसी में अभी माइनस 18 बाई पाई साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 4x बाई 4. इसकी द फाइनल आंसर. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं. मेरे राय क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डेट जितनी भी वीडियो जो है आप उसको प्रॉपर देख सके. ओके, थैंक यू.